अगर भाई भाईचारे कहते ऐसी अब बात ही को पा गई कल ठा लेंगे पक्की बात है पक्की बात है साढ़े जान तमार देंगे नाड़ तोड़ देंगे पूरे 251 रुपए में इतना पर्सनल जितना कि तुम्हारे फोन की हिडन गैलरी में तुम्हारे फोटोज नहीं होंगे इतना पर्सनल एजेंट छोड़ा था मैंने एल्विश के पीछे। और तुम यकीन नहीं करोगे एल्विश यादव के तो काले इंटेंशन सामने आए ही हैं, साथ ही साथ एल्विश यादव के जिगरी दोस्त अज्जू 0008 भी हुए एक्सपोज। चौधरी में लिखा तो गया पता कल मिले जा रहे हैं भाई भाई बैठ के साफ कर देंगे तो फुल फील्डिंग लग गई भाईचारा हो गया खत्म। अब आगे भाई ईगो ईगो पे तो हम भी तैयार हैं पूरे तीन लोगों की फौज के साथ हमला करूंगा। एक तो मैं एक क्या हुआ वो नहीं आ रहा ऑफिस है उसका कल तो हम भी कोई दिक्कत नहीं है हम भी दो लोगों की पूरी फौज के साथ तैयार हैं। कल हो जाएगा दूध का दूध और दारू की दारू। कल तुम मेरे व्लॉग चैनल पे देख लोगे कैसे मैं एल्विश यादव को हरा के उसकी लेजेंडर अपनी सोसाइटी की पार्किंग में खड़ी करूंगा और धोने का भी नहीं पॉलिश भी नहीं करवाने का यूं ही चलाऊंगा बिना मेंटेन करे। व्लॉग चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। कल दिल्ली में टाइम टेक लिया गया है आमने सामने की हो रही है इस बार। अरे भाई क्या देख रहे हो? कुछ नहीं भाई एल्विश यादव की वीडियो देख रहा था। अरे सच में भाई वीडियो देख रहा था। अरे भाई कैब में जा रहा वो भी स्विफ्ट में तेरा व्लॉग चैनल नहीं चल पाने का। 91-92 बाकी तेरी गौण में एल्विश यादव की फेमस पंचलाइन सुन के मेरे चेहरे पे उतनी हंसी आती है जितनी कि इस भैंस के बच्चे को मेरी इस पंचलाइन पे आ रही है। हंस दे भाई प्लीज यार हंस दे भाई स्पॉन्सर का 10% दे दूंगा प्लीज ब्रो। अरे एप्पल स्टोर पे क्या कर रहे भाई टोयोटा के शोरूम में जा ऐसे नहीं चल पाने का व्लॉग चैनल। तो अभी अभी मुझे कुछ सूत्रों के हवाले से एक खबर मिली है कि एल्विश यादव ने दो अपने व्लॉग्स में मेरा जिक्र किया है। लच्छी क्या बोला है वो? यार और रह लिया ना भाई इस गर्मी में मैं जल जाऊंगा जैसे लक्ष्य चौधरी मेरे से। लक्ष्य चौधरी का मैंने रोस्ट देखा मुझे पता लगा कि मैं सांप पाल रहा था। सांप नहीं ब्रो टाइगर जीता जागता टाइगर जाट शेर जाट देवता। मैं रोस्ट कर दिया पर मेरा भाई है कोई बात नहीं है क्या हो गया रोस्ट ही तो करा है थोड़ी सी बेइज्जती तो करी है वीडियो की बेइज्जती करी है सब चीजों की बेइज्जती करी है मेरा डिप्रेशन में आने का मन है मेरा फांसी लगाने का मन है बस इतना ही तो हुआ है। भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं जिन लोगों को इन्होंने रोस्ट किया था लेकिन एल्विश भाई मैं तुमसे थोड़ा कम टॉक्सिक हूँ यार। इतना देसी पना तो मेरे पूरे इस बैकग्राउंड में नहीं है जितना एल्विश यादव की वीडियो के सिर्फ एक टाइटल में हुए है। अंतरात्मा से गाली बकी जा रही है क्या? शिट भाई बट कोई बात नहीं भाई लक्ष्य चौधरी इज माय वाइफ तो इसको क्या ही बोल सकते हैं। तू रात को आ कि भाई तुम मैं रात को आ गया तो तुम मेरा 8 inches अनकट बनाना झेल नहीं पाओगे। तो अब तू क्या आएगी रात को हम आएंगे तेरे धोरे नोएडा दूर थोड़ी है यो गुड़गांव रहा यो नोएडा रहा यो 1.5 घंटा दूर हम आएंगे भाई पास। अच्छा तुम एक चीज देखो भाई ने धमकी वाले व्लॉग का टाइटल भी क्या रखा है जगवार वर्सेस फॉर्च्यूनर ड्रैग रेस। थोड़े दिन में भाई मुझे लक्ष्य की जगह एलेक्स आईना बोलने लगे। एल्विश को तो अगर कोई लड़की पसंद आती है उसको भी जाके पूछ लेता है अरे टॉप मॉडल हैगी या बेस मॉडल डीजल पे चले या पेट्रोल पे डिग्गी तो बढ़िया है पर स्टेपनी थोड़ी छोटी है। एल्विश तुम गाड़ियों को लेके ज्यादा और नहीं हो चुके हो ये अज्जू से दूर रहना शुरू कर दो वो तो गाड़ियों के साथ रात में सच बता रहा हूँ मैं अज्जू के लक्षण मुझे गाड़ियों के साथ ठीक नहीं लग रहे। पता नहीं स्ट्रोली में गन्ने ज्यादा है या एल्विश यादव के व्लॉग चैनल पे आयरनी। अभी दो लोगों की झड़प के बीच में तीसरी चीज की बात कर लेते हैं वाओ लाइफ साइंस ओमेगा 3 के बारे में। तो मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि ये होता क्या है। ये गुड फैटी एसिड होता है जो हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करता है और एक सोर्स होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का। ये ओमेगा 3 है जो फिश ऑयल से बना है और हम लोगों को पता ही है कि फिश ऑयल हमारे हार्ट हेल्थ के लिए कितना अच्छा रहता है। ये आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल को लो करने में हेल्प करता है और हार्ट को हेल्दी रखने के साथ साथ उससे रिलेटेड कार्डियोवैस्कुलर रिस्क को भी कम करता है और बॉडी कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखता है। ये डाइटरी सप्लीमेंट आता है EPA, DHA एंड अदर ओमेगा 3 फॉर्मुलेशंस के साथ जो आपकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ को तो मेंटेन करता ही है साथ ही साथ आपके जॉइंट्स और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसमें आपको सॉफ्ट जेल टाइप कैप्सूल मिलते हैं जो किसी भी हैवी मील के साथ आप कंज्यूम कर सकते हो। लाइक मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं लंच के बाद कंज्यूम करना। ये हम इसलिए कंज्यूम करते हैं क्योंकि हमारी बॉडी ये गुड फैटी एसिड खुद से नहीं प्रोड्यूस करती। आप इसके अल्टरनेट भी ट्राई कर सकते हैं लाइक आप डायरेक्टली फिश कंज्यूम कर लें या अदर अल्टरनेट लाइक मरीन एल्गाए या प्लांट सीड्स लेकिन सबसे बेटर है कि आप डेली ओमेगा 3 फिश ऑयल कंज्यूम कर लें एकदम सीधा और सरल। इस प्रोडक्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ ही वाओ लाइफ साइंस की बाय वन गेट वन सेल लाइव हो चुकी है। आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं वाओ उनकी वेबसाइट buywow.in पे भी वाओ नेचुरली। भाई कमेंट करके बताओ लक्ष्य चौधरी के पास कब जाया जाए मैं तो सोच रहा हूं अभी मेरा दिल है मैंने वीडियो देखी मैंने कहा ओहो लक्ष्य चौधरी कहां से वीडियो बना रहा है मुरादाबाद कह रहा मुजफ्फरनगर से बना रहा है या फिर
गलत जगह से बना रहा हूँ भाई, मैं अलीगढ़ से बना रहा हूँ AMU से। फुल भाइयों का सपोर्ट है यहाँ पे, इफ यू नो यहाँ पे मुझे टेंशन नहीं है। पता लगी ओहो नोएडा ही बना रहा है, कोई बात नहीं भैया। लग से भैया बाहर नहीं हो तुम पहुँच के, अभी मुजफ्फरपुर जाना पड़ जाएगा। अरे भाई के पास आएंगे, मिलेंगे, चाय पियेंगे, घाटा से अज्जू को भी लाऊंगा, अज्जू भी चाय पियाएगा बैठा के, मैं भी पिलाऊंगा दोनों को अपनी खट्टी लस्सी। ठीक है लक्ष्य भाई, आज तो रोस्ट कर दिया, आगे से मन करे ना तो भी कर लेना। ये परमिशन सिर्फ लक्ष्य भैया को मिली है। लक्ष्य भाई मेरी जान का जिगर का टुकड़ा है, थोड़ा और नीचे चले जाओ वहां का भी। अच्छा अगर वहां का टुकड़ा इतना बड़ा है तो वो चीज खुद कितनी बड़ी होगी। एलविश भाई संभालते कैसे हो, संभालने के लिए भी एक दर्जन लोग रख रखे होंगे नौकरी पे, और अगर कभी ना चाहते हुए एलविश भाई होर्नी हो जाते होंगे तो पूरे जिले को शैम्पू फ्री दे देते होंगे। बहुत बढ़िया यार एलविश भाई, मैं तुम्हारी इसी तो कॉमेडी टाइमिंग का फैन हूँ यार। 91-92 और इस तरह की डबल मीनिंग कॉमेडी, और तुम्हें पता है मतलब सोशल मीडिया पर कितने लोग तुमसे ऑफेंड हो रहे हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर तुम्हें टैग मार रहे हैं मिसोजिनिस्ट मिसोजिनिस्ट बोल के। दूसरे लोग का थंबनेल खुली धमकी, भाईचारा खत्म, जान तो मार देंगे। एलविश भाई व्यूज तो इस पे भी ज्यादा आए हुए हैं साइड वाले ब्लॉग से, क्या मतलब है, दोनों भाई मिलके पैसा कमा रहे हैं। तो भाई सीन अब ये है, लक्ष्य चौधरी को जान से मारने कब चलना? जब तेरा मन करे। पक्की बात है ना? हाँ। लक्ष्य चौधरी को जान मारना से, जान से और क्या, जान से मारना। उसका कान तोड़ देते हैं या और जुबान तोड़ देते हैं, कान जो सुने रहा उसको, हाँ और जुबान तोड़ देते ताकि किसी को बताना पाए उसका क्या अत्याचार हुआ, और उंगली तोड़ देते ताकि लिख के भी ना पता। वैसे भी वो अनपढ़ तो है ही, लिखना तो आता नहीं होगा उसको, ठीक है। नहीं भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शुरू से ही बच्चों के लिए एजुकेशन मैंडेटरी थी यार, हरियाणा वाली 21,000 रुपए में मार्कशीट बनवाने वाली सुविधा यहाँ कहाँ। ठीक है ना, नोएडा ना जहाँ रह वहीं आ जाएंगे। अभी तो वहाँ आए हो, अभी तो होली मनाने अपने मुजफ्फरनगर गया, ऋषिकेश गया, जहाँ भी गया हो मार रेंज तो बाहर है वैसे अभी तो दूसरे स्टेट में, बट कोई ना कदा तो उल्टा आएगा ना, खुला चैलेंज आती जान तमार देंगे। आती जान तमार देंगे। वीडियो बनाती निकल गया। हाँ भाई वीडियो बनाती, अंडरग्राउंड हो गया भाई, अंडरग्राउंड हो गया। वो वाली रील सुनी है क्या, तुम्हारा कोई पुलिस डिपार्टमेंट में खास हो उससे पूछ लियो। सुनियो वाली भाई, बहुत डेंजर अजीब सी रील है, बट कोई बात नहीं। ये तो वो वाला सीन हो गया, पुलिस वाले की यारी खराब और दुश्मन खराब, मेरी भी दोनों बहुत खराब है, ज्यादा खतरनाक आदमी हूँ मैं, मुझे बस कुछ गिने चुने दिन मत मिल जाइयो। सोमवार को शिव जी का व्रत रखता हूँ, मंगलवार को हनुमान जी का, बुधवार को नहा के रहता हूँ, बृहस्पतिवार को साईं बाबा पे प्रसाद चढ़ाता हूँ, शुक्रवार को मैं वृद्धाश्रम जाता हूँ, शनिवार को शनिदेव का भक्त रहता हूँ, और संडे को रहता हूँ मैं छुट्टी पे। इसके अलावा किसी दिन मिल जाइयो, छोड़ देगा नहीं। और मेरी दोस्ती खराब, बस दुश्मनी बहुत बढ़िया। ठीक है लक्ष्य भाई बच लियो, कहाँ तक बचेगा, तेरे पीछे पीछे भग रहे हैं हम। हिमांशु भाई वो कट्टा निकाल लो एक बार। हाँ भाई कट्टा दे दो भाई को, अंबुजा वाला लोगे या ACC वाला लोगे, वैसे भी मकान की चिनाई अब पूरी हुआ हुआ रही है। नहीं मेरे सामने असला बारूद की बात मत करना यार, तुम्हें पता ही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश ब्रो। हैं वो कट्टा निकाल लो जिसके अंदर वो है सारा तमाकू वगैरह। तुम्हें क्या लगा वो दूसरा कट्टा जिसमें क्या कहते हैं वो उपले धरे, लक्ष्य के पास तो वो है, वे तो गुलेल तुम्हारा है। ओके ब्रो मिल रहे हैं, कल ही मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, नहीं इससे मत डरो, मैं बस सिर्फ दिखने में खतरनाक हूँ, दिल का बहुत अच्छा हूँ, माफ कर दूंगा अगर मतलब आते ही एकदम तुम माफी मांग लोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और बताऊंगा भी नहीं किसी को, रिकॉर्ड भी नहीं करूंगा। वैसे भी मैं तो 12 मिनट का ही व्लॉग बनाता हूँ, 24-24 मिनट की व्लॉग्स के नाम पे शॉर्ट फिल्म नहीं डालते हम। पीपल के पेड़ पे जो बाग में यूज होता है वो क्या बोलते हैं उसको, अच्छा वो भाई ये भाई कुछ ये बाग में कुछ गलत ही काम कर रहे हैं एलविस के साथ बाग में। कोई नहीं एलविस, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे, मैं पिछले वाले ब्लॉग से समझ गया था वैसे भी कि आजकल लेजेंडर में पेट्रोल कहाँ से गिरवाया जा रहा है। तुम्हें पता है एक बार एलविस यादव के दोस्त ने उसकी स्क्रिप्ट चुरा ली थी और उसके ऊपर वीडियो बना दी थी अपने चैनल पे। फिर नेक्स्ट स्टोरी में एलविस यादव ये पोस्ट किए, सभी यूट्यूबर्स के लिए एक मैसेज, अपनी स्क्रिप्ट और टॉपिक्स किसी के साथ शेयर मत करना, चाहे कितना भी सगा दोस्त हो फायदे में रहोगे। और तुम्हें पता है इस वीडियो का प्लॉट क्या था, देसी हैरी पॉटर। हंसो मत, पहली बार एलविश यादव कोई क्रिएटिविटी का बेंचमार्क सेट करने वाला था और वो भी किसी और ने चुरा लिया, इसलिए तो फिर उसके बाद एलविश यादव ने कंट्रोवर्सीज का सहारा लिया। और जाते जाते व्लॉग खत्म करते करते एक लाइफ की एडवाइस देना चाहूंगा मैं आप सभी लोगों को, ध्यान से सुन लेना इस वाले भाई की, भाई की थोड़ी दिल से बात निकल रही है कि बहुत लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में जो बोलेंगे कि हाँ अरे हट साले, बहुत लोग आएंगे तुम्हारी लाइफ में भाई जो बोलेंगे कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे,
और वो नहीं करेंगे फिर। अरे तो भाई इमोशनल क्यों हो रहे हो यार, मुझे याद है मेरा वादा। अभी मार्केट में लुब्रिकेंट थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, जैसे स्टॉक में आता है मैं आ जाऊंगा, अपना वादा पूरा कर लूंगा। दोनों भाई चिपक के सोएंगे गुड़गांव वाले फ्लैट पे। अगर आपको याद हो गाइस, एलविश भाई अभी रिसेंटली मथुरा भी होके आए हैं। यार प्लीज इनको कोई बता दो मथुरा में पाप धुलते हैं, मिसोजी नीनी। आय हाय फिर से एमसी शैतान, ड्रॉप द बीट बॉयज। एलविश भाई लटवट कट्टे वट्टे लाने की क्या जरूरत है यार, जैसे ही तुम मेरे से मिलोगे तभी अपना गांव पे अपनी लाइव परफॉर्मेंस दे देना, मेरी सोल खुद मेरा शरीर छोड़ के चली जाएगी। अब मुझे समझ आया कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में लोगों को मारने के लिए गैस का इस्तेमाल क्यों किया गया था, क्योंकि उस वक्त तक एलविश भाई ने जन्म ही नहीं लिया था इस धरती पे, वरना गैस की जगह एलविश भाई का लाइव कॉन्सर्ट करवा देते वो। ये देखो 2016 से ही असर है भाई के अंदर हॉर्नीनेस का, और हम सोच रहे हैं कि 2022 में क्यों इन्होंने ट्यूशन टीचर की बीवी से प्यार पार्ट 1 पार्ट 2 सीरीज निकाल दी, ये तो इनकी बचपन से फैंटेसी थी। आप शराब में कितना पैसा उड़ाने लग गए हो, कम कर दो अब थोड़ा। क्यों भाई, तू भी तो पार्लर जाकर पैसा उड़ाती है। पार्लर क्यों जाती हूँ भाई, अच्छे दिखने के लिए जाती हूँ पार्लर में। अरे पागल, मैं भी तो इसलिए पीता हूँ ताकि तू अच्छी दिखे। एलविश भाई फिर से घूंघट वाली कॉमेडी करो ना यार, आई सीरियसली मिस द ओल्ड एलविश यादव जो हटे गुड़कू करके सबकी मुत्ती निकाल देता था। बी दैट सिग्मा मेल। वैसे गाइस हमें हंसना नहीं है, हमें भूलना नहीं है कि इन लोगों ने हमारे खिलाफ क्या क्या षड्यंत्र रच रखे हैं। भाई भाईचारे कहते ऐसी अब बात ईगो पा गई है, कल उठा लें, पक्की बात है साड़न जान तमार देंगे, नाड़ तोड़ देंगे। तो दोस्तों हथियार उठा लिए गए हैं, सब रेडी है, चैन वैन किले विले लेके तेल वेल लगा के बस कल तक का वेट है व्लॉग चैनल पे गाइस, दूध का दूध और पानी निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेनी। एलविश यादव एंड अज्जू, आई एम कमिंग।